Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 5 for a subject computer science of a class 6. We will start our next chapter, chapter number 8. The name is computer viruses and their effects. Computer virus kya cheez hai aur iska hamari zindagiyon par kya asar hai? Computer viruses and their effects, it's your introductory page. इसमें अब इंट्रोडक्शन अगर आप लोग देखें तो वो आपको बताता है क्या कि डियर चिल्ड्रंस समटाइम्स यू मे हैव नोटिस्ड दैट योर कंप्यूटर सिस्टम वर्क स्लोली और स्टॉप एंड रीस्टार्ट एट एनी इंस्टेंट. वो कह रहे हैं कि आपने कभी ये नोटिस किया कि आपका कंप्यूटर सिस्टम या तो बहुत स्लोली काम करता है या बंद हो जाता है, स्टॉप कर देता है, हैंग हो जाता है या फिर रीस्टार्ट अगेन हो जाता है वैसे के फौरन सडन जो है बंद हुआ और साथ ही वो आपका पीसी जो है ना रीस्टार्ट हो गया. ठीक है, उसको विदाउट प्रेसिंग एनी ऑन ऑफ की. डू यू नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट्स माल फंक्शनिंग. वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि इस माल फंक्शनिंग जो ये डिजीज़ के पीछे क्या बीमारी है, मतलब कि क्या वजह है. तो वो कहते हैं कि इट्स अ वायरस. हमारे पास यहाँ पे क्या है, वायरस आता है. ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादातर मोबाइल में ये इश्यूज़ देखे होंगे कि या तो आपका मोबाइल बिल्कुल वर्क मतलब कि स्लो हो जाता है या फिर आप उस पर स्टॉप हो जाते हैं, मतलब हैंग हो जाता है, ज़्यादातर कोई कमांड नहीं लेता एंड रीस्टार्ट और अगेन क्या होता है कि खुद ब खुद बंद होता है और साथ ही फ़ौरन स्टार्ट भी हो जाता है, ऑन हो जाता है. ठीक है, अब इसमें वो वेरियस एस्पेक्ट्स बता रहे हैं कि फॉर सेव इंटरनेट एक्सपीरियंस, अगर आप इंटरनेट का यूजेज कर रहे हैं तो कौन कौन से एक्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हम लोगों की सेफ्टी रहे. ठीक है, और इंटरनेट से हम कोई भी वायरस डाउनलोड ना कर सके विद द फाइल्स. कंप्यूटर वायरसेस एंड वर्म्स, चिल्ड्रन इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट, इंटरनेट डेंजर, प्रिवेंटिंग प्राइवेसी वायलेशन, सेफ्टी टिप्स, इंटरनेट सेफ्टी फॉर किड्स, फिल्टरिंग एंड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग वायरस के जितने भी इफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सकता है. ठीक है, बच सकते हैं. नाउ लेट स्टार्ट एट द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर वायरस. अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज सीक्रेटली इंट्रोड्यूस्ड इन टू अ सिस्टम इन ऑर्डर टू करप्ट एंड डिस्ट्रॉय डेटा. वो कहते हैं कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर्स के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है ताकि आपकी फाइल या आपका डाटा जो है करप्ट या डिस्ट्रॉय हो जाए. ठीक है, लेकिन ये बड़ा राजदारी से उसको रखा जाता है कि अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आपका कंप्यूटर वायरस एक्टिव हो जाता है. ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कंप्यूटर वायरस है ये ह्यूमन बीइंग ने खुद से इसको बनाया है. वैसे तो आपको पता है कि वायरल जो डिजीज़ होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, लेकिन कंप्यूटर्स की जो डिजीज़ हैं लाइक वायरस जो जिसको बोला जाता है तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो ह्यूमन बीइंग का बनाया हुआ है और ये सिर्फ टू अर्न मनी का हिसाब है. ठीक है, जैसे ही आप पीसी बनाते हो तो पीसी जो प्रोग्रामर्स होते हैं वही इसके अंदर कुछ इस तरह के फंक्शंस ऐड कर देते हैं कि अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये वायरस जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि इंटरनेट में आप लोगों के पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे लिंक्स होते हैं. लेट्स सपोज अगर आपने किसी लिंक को या किसी वेबसाइट को अप्रोच करना होता है, आप लोग उसको क्लिक करते हो तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना मतलब कि बैक पे नहीं जाता, हैंग हो जाता है मोबाइल या आपका रीस्टार्ट हो जाता है. तो इट्स मीन कि आप उस दहाने पे पहुंच जाते हो कि आपका जो वायरस होता है वो आपके सिस्टम के अंदर एक्टिव हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. ठीक है, इट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर नेगेटिवली बाई आल्टरिंग द वे द कंप्यूटर वर्क्स विदाउट द यूजर्स नॉलेज और परमिशन. ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता और उसके हमारी नॉलेज में हमारी परमिशन या हमारे हमसे पूछ कर ये नहीं आता और ना ही हमारे ये बता कर आता है. ठीक है, और खामोशी से ये आपके कंप्यूटर्स में नेगेटिवली अफेक्ट्स करना स्टार्ट कर देता है. इट स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी फैलता है. अ वायरस डिस्ट्रॉयज और करप्ट द डाटा फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स और डाटा को करप्ट या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है. डिस्ट्रॉय और करप्ट मीन एक ही बात है, तबाह करना इसमें आता है. ठीक है, ख़राब कर देना. वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन पॉइजन. वायरस का मतलब है लातीनी जुबान में इसको पॉइजन. पॉइजन किसको बोलते हैं, जहर को बोलते हैं. ठीक है, ये जहर की तरह का बता रहे हैं किसको कि वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. वायरस अब इसका क्या है कि वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है अंडर सीज. ये एक प्रॉपर कहते हैं कि इसका एक कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको डिवेलप करती है, उसके अंदर वाइटल इन्फॉर्मेशन डालती है ताकि क्या हो कि इसमें
आपका कंप्यूटर्स में इस तरह के इफेक्ट्स आए ताकि उनकी अर्निंग हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखें, इट डज स्टैंड अलोन बट नीड्स अ होस्ट फाइल। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अकेला होता है लेकिन इसको होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है और प्रोग्राम टू रेप्लीकेट इटसेल्फ, या फिर उसी प्रोग्राम को दोबारा से कॉपी करने के लिए। लेट्स सपोज, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि वो बताता है कि ये अकेला होता है, इस तक पहुंच हम लोग खुद ही जाते हैं, ठीक है। आप लोग जब भी किसी लिंक को या किसी ऐसी फाइल को खोल लेते हैं जिसकी वजह से फिर आपका जो पीसी होता है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं आता, उसको मतलब कि एक लिंक की ज़रूरत होती है, उसको एक मेज़बान की ज़रूरत होती है, होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है। जैसे ही उसको वो होस्ट फाइल मिलती है तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, वो एक्टिव हो जाता है वायरस आपका, ठीक है। You may also define it as the undesirable or unwanted program file. ये आपके ना ही आप इसको चाहते हो कि आप मतलब कि आपके सिस्टम में ये आए, और रूटीन दैट करप्ट फाइल रेप्लीकेट इट सेल्फ रेप्लीकेट अदर फाइल्स, मतलब कि वो ये नहीं कहता कि आपको उसी तरह के खुद ब खुद शॉर्टकट्स बनाने लग जाते हैं, असल में आपकी फाइल्स को तबाह करना चाहते हैं, तो ये कोई भी खुद से नहीं जाता कि कोई ऐसा वायरस हमारे पीसी में आ जाए, ठीक है। और इन सम अदर वेज वी डीग्रेड और इवन शट डाउन अ कंप्यूटर सिस्टम। कभी कभी हम लोग या तो फिर उसी टाइम पे अपनी प्रोग्रामिंग ख़त्म कर देते हैं या फिर अपना पीसी ही ऑफ कर देते हैं इन चीज़ों से थक कर। हाउ अ वायरस इंटर्स अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में वायरस दाखिल कैसे होता है, किन किन तरीकों से, मीन कि उनको होस्ट फाइल कैसे मिलती है, उनके लिए मेज़बानी का काम कौन सी चीज़ें कर रही होती है जो कि उनको वायरस जो है ना उसमें एक्टिवेट हो जाता है। देयर आर द सेवरल वेज इन विच कंप्यूटर गेट्स अ वायरस। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, फ्रॉम CD, पेन ड्राइव्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मेन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि आपका अगर PC बिल्कुल अभी न्यू लेकर आए हैं लेकिन अगर आपने उसमें कोई CD ऐसी डाली है जिसके अंदर कोई वायरस है तो आप लोग उससे अफेक्ट हो सकते हो। पेन ड्राइव्स आपके जो USBs वगैरह हैं या और आपके पास जो अदर पोर्टेबल डिवाइसेज हैं, अगर उनके साथ जैसे मोबाइल हो गया, अगर आप उनके साथ उनको अटैच करते हो तो क्या होगा कि आपका सिस्टम अफेक्ट कर लेगा। योर सिस्टम में गेट अ वायरस फ्रॉम CD और पेन ड्राइव्स दैट ऑलरेडी हैड अ वायरस। उस वायरस मतलब कि अगर उनके अंदर कोई वायरस है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फ्रॉम ईमेल। अब आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एक इंग्लैंड में ऐसे था कि कोई मेल्स खोने से आप लोगों के सॉफ्टवेयर तक उड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा इतना ख़तरनाक वायरस उन्होंने वहाँ पे क्रिएट किया था कि आप जब जैसे ही वो मेल खोलते थे तो उस मेल में से एक ऐसा वायरस जनरेट हो जाता था जो आपके सॉफ्टवेयर एज़ वेल एज़ हार्डवेयर को भी नुकसान पहुँचा रहा था, जिसमें आपका बिल्कुल मॉनिटर हैंग हो गया या एक किस्म का उसमें कोई जैसे आपके रेज होती हैं या आपके LCD जो इस पर लिक्विड्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, माउस की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और इसी तरह से कीबोर्ड में भी जितना कनेक्टिविटी होती है वो सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है।